ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇର ଗଳାକୁ ଧରି ତା ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏହା କ'ଣ ଉଚିତ କି? ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ବୋଲି, ଅଥବା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇ ଧର୍ମରେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଭାଇମାନେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବିତ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଷମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ମହିଳାର କ'ଣ ଗଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳା ଧରି ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଫେର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ କଲା? ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଉଚିତ କି? ପୋଲିସ କିଛି କହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ବା ସେଇ ପୋଲିସଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଏଠାରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକେ। ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତ ଅଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସରେ, ହେଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଅଛି, ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। बिल्कुल, ये मैं समझ में पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाकर सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया ना? ज्यादा अगर ममता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में? आजा आजा आजा, बारात में है तो कहाँ दूर में है? सामने सामने तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ बिल्कुल, ये मैं समझ में पुलिस खड़े तुम जवान में आया, ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास, यहाँ सेक्टर में आके, हाँ सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया? पकड़ो इसको, चलो थाले में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा मांझी। अरे चुप रहते इन लोग, तेरे जैसा खटिया आदमी कहाँ है? तो बाप का नाम ग्रुप में कहाँ पर रहते हो? फुल एड्रेस लिख के हम लोगों को चाहिए, सारा सारा थाना में चलो, जहाँ जा रहे थे सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 रुपये में हूँ, एक चीज बता दूँ, अब अगर तू घुसा तो तू देखना देखना, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, कौन होते? सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए क्या समझा रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, चर्च बना हुआ है, चर्च में बुलवाइए, माइक से वो कीजिए कि सभी लोग चर्च में आइए, भगवान इनको ठीक कर देगा। और आप सभी लोगों को झूठ बोलते हो, बुखार का बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का फूका हुआ पानी पिला दो, क्रोसिन मिला देते हो, बच्चे का 10 मिनट के लिए बुखार उतर जाता है, आप उनको गलत हो कर रहे हैं। नहीं विरोध नहीं करते हो आप, जो है बहुत घूमने में कीड़े हो, आप दीमक हो इस देश के, आपको मैं बता रहा हूँ, ये बॉस होगा ना, इसलिए चल रहा है, इसी को पड़ेगा झापड़ा भी यहीं पर, ज्यादा बॉस बन रहा है तो। अब सुनना बाबू, आना अब सुनिए, कहीं भी आप लोग हो ना, सब जगह वायरल करना, इनको बाद में बुलाना, पहले इनको मतलब बुला करके कर देना, जो बोलते हैं सब पेड़ से, उसके बाद इनको बुलाना, इनको उठा के लेके चल दो बोलना, अभी अभी कल परसों से मिशन चालू होगा, हमारा भी टेंशन मत लो, अभी शुरुआत कर देते हैं, चर्च में रहिए, यहाँ आपको रहना है, यहाँ कहीं कहीं नहीं दिखोगे, इस एरिया वाली बात नहीं है, समझ में आया ना, कहीं नहीं दिखना। ऑटो में आए थे, ऑटो का ऑटो बुक करते नहीं, ऐसा है ये ऑटो वाला छोड़ दिया क्या, फिर ऑटो बुला लेते हैं, ऑटो वाला काम करें, हमको कभी देखे हो प्रभु यीशु को गाली देते हुए देखे हो? हम कभी, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, अभी 5 साल से छोड़ा हूँ, सुन लीजिए, वो भी छोड़ा नहीं हूँ, पूछ लीजिएगा आप, अमेरिका से मेरे लिए जांच बैठी थी, वहाँ के लोग आए थे प्रतिनिधि मंडल, और आप लोगों को गलत साबित किए, आप कौन होते हो किसी के भगवान को राक्षस बोलने वाले, आप कौन होते? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, क्या समझा रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु के बारे में ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, चर्च बना हुआ है, चर्च में बुलवाइए, माइक से वो कीजिए कि सभी लोग चर्च में आइए,
भगवान इनको ठीक कर देगा। और आप सभी लोगों को झूठ बोलते हो, बुखार का बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का फूका हुआ पानी पिला दो, क्रोसिन मिला देते हो, बच्चे का 10 मिनट के लिए बुखार उतर जाता है। आप उनको गलत हो कर रहे हैं सर, हम उन्हीं का विरोध करते हैं। नहीं, विरोध नहीं करते हो आप, जो है बहुत घूमने में कीड़े हो आप, दीमक हो इस देश के, आपको मैं बता रहा हूँ। सुनिए, वो भी एक प्रहरी है, रक्षक है, ये आ गए हैं कि आप बचे होंगे, अभी भीड़ ऊपर होगी, मार देगी आपको। आपके चर्च जाते होंगे, उनका आप एंट्री करते होंगे ना, करते नहीं करते हो सर? हम लोग, अरे ये बताओ भाई, जो आपके चर्च जाते हो एंट्री करते हो ना उसका, तो आपके पास उसका पता होगा, मोबाइल नंबर होगा उसका, पहले उसको फोन पे बुलाइए।